अब जितने भी सीरियस पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जितने भी सीरियस पढ़ने वाले बच्चे जो एकदम जान लगा के पढ़ना चाहते हैं, तो दो तीन दिन में 20-20, 30-30 क्वेश्चन का, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आप वहां से जरूर देखना। मैं ये रेकमेंड करूंगा आपको, जितने भी अच्छे पढ़ने वाले सीरियस बच्चे हैं। यकीन प्लस में बहुत अच्छे कंटेंट रिकॉर्ड करके मैं दूंगा। अच्छे कंटेंट का मतलब एक तो होता है सिलेबस, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिलेवेंट चीजें, वो मैं यहां पर आ रहा हूं। फिर से 10-10, 20-20 क्वेश्चन हर दो दो तीन तीन चार चार दिन पे आप इतना एफोर्ड तो कर ही सकते हो बेटा, है ना। अगर आप पढ़ने वाले सीरियस बच्चे हो, ऑन सीरियस नोट्स, आप सबको मैंने इसलिए बैच दिलवाया, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बढ़िया पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे, वैसे भी नहीं पढ़ेंगे, वो नेतागिरी करेंगे। आप अपने आप को वही है ना, शुतुरमुर्ग मत बनाओ कि समस्या अगर कहीं है तो मुंह छुपा लिया तो हमें पता ही नहीं चल रहा समस्या का कहां है। जितना लड़ोगे, जितना पेन लोगे, सबको दिक्कत आती है, सबको परेशानी आती है, लेकिन जितना ज्यादा पेन लोगे ना उतना ज्यादा इंप्रूव होगा आपके अंदर में, ठीक है। मतलब वो जो कंटेंट आएगा ना उसको दुनिया देखेगी। एक बच्चे का कमेंट अभी मैं देख रहा था, कह रहे थे एमआर सर से पढ़ लो जो भी था यकीन प्लस के लेके हमें देखा, अच्छा लगा। एमआर सर से पढ़ लो, आपको कोई किताब खोलने की जरूरत ही नहीं है, ये आदमी चलता फिरता खुद ही 2-4 किताब है। तो बिल्कुल सही बात है, और मैं हूं नहीं, मैं मेहनत करूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा आपके बैच के लिए, मैं करता हूं, ऐसा नहीं है आके उठ के पढ़ा रहा हूं और जितना पढ़ाया था उतना बिल्कुल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कंटेंट वही रहेगा, सवाल पूरे यकीन 2.0 में से आएंगे नीट में। लेकिन आपका दिमाग भी काम करे, आप भी जल्दी जल्दी सवाल करो, एकदम चैलेंजिंग एटीट्यूड आपका हो, एप्टीट्यूड डेवलप हो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि मैं उसमें मेहनत करूंगा बहुत। पर ऐसा नहीं कि यकीन प्लस में बहुत ज्यादा कोई रैंडम चीजें होंगी, वही होंगी जो आपको असाइनमेंट में सवाल देता था ना, तो असाइनमेंट में कुछ आसान सवाल भी दे देता था, वहां आसान नहीं होगा, टफ होगा, सारे मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो उसके ना आप लेक्चर को असाइनमेंट की तरह यूज कर सकते हो, हाँ सबसे अच्छा है बेटा उस लेक्चर को ना आप इस एटीट्यूड से अटेंड करना यकीन प्लस के लेक्चर को, कि यकीन प्लस एक डेडिकेटेड है जिसमें कई बार आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन नहीं मिल पाते, लेकिन वहां तो मिलेगा ही मिला क्योंकि मैं लेक्चर ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो यूज एज असाइनमेंट, और इसके बहुत सारे राज मैं धीरे धीरे खोलूंगा। यकीन प्लस के टेस्ट जो होंगे, जितने भी सीरियस बच्चे हैं जरूर देना, और अपने 100% डिफिशियंसी के साथ देना, 100% डिफिशियंसी के साथ देना। इफ यू विल परफॉर्म आई विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, एग्जैक्टली। अब इस शब्द के, इस स्टेटमेंट के, इस लाइन के बहुत मायने हैं। If you will perform exceptionally good, ये मैं आज पूरे भारतवासियों को, सारे मेधावी छात्रों और छात्राओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि इफ यू स्टडी सीरियसली एंड यू इफ यू विल परफॉर्म एक्सेप्शनली गुड आई विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, एक्सेप्शनली गुड मतलब जोरदार। यू हैव टू बी परफॉर्म एक्सेप्शनली गुड। तो इस टेस्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली दीजिएगा, और पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। आईफोन दोगे, हाँ इसी में जीवन खत्म कर ले, आईफोन दोगे। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ने में हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट बहुत अजीब सा होगा, टेस्ट नीट रिलेवेंट होगा। और उसमें अगर 700 प्लस नंबर आप लाएंगे फुल टेस्ट में लगातार, आपका अगर एवरेज स्कोर 690 और 700 के अराउंड रहता है ना, या जो भी रहता है, अच्छा आप परफॉर्म करोगे, एकदम टॉप वाले जो बच्चे होंगे, टॉप वाले बच्चे मतलब टेस्ट में पढ़ के अच्छा परफॉर्म करोगे, मैं आपके साथ हूं।